हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग फाइन चैन टिप टॉप लश पश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी दुआओं से, आपके प्यार से मैं भी एकदम मज़े में। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। सो मेरे हुलिये से तो आपको लग रहा होगा कि मुझे किसी ने ना मिट्टी में वो किया था ना, हिलाया था, समझ गया ना आप, बस वही। तो गाइस, इस सिचुएशन में आने का मकसद ये था क्योंकि मैंने सोचा कि ना एक पूरा दिन की व्लॉगिंग की जाए, आप लोगों को दिखाया जाए कि हम लोग पूरा दिन में क्या करते हैं। साथ ही साथ मैंने सोचा कि ना नाइट से शुरू करके नाइट पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आई एम द जीनियस ऑन माय ओन, और इस व्लॉग में मेरा साथ देंगे मैं खुद। सो ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करेंगे हम लोग, ज़्यादा कुछ फजूल काम नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग जस्ट पॉइंट से पॉइंट वाली बात करेंगे, लेकिन अभी हमने सोना है बिकॉज इट्स 10 o'clock राइट नाउ। सो सी यू टुमारो, गुड नाइट। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे सुबह। सो इट्स ऑलमोस्ट 1:20 AM और मेरी आँख खुल गई है, मुझे नींद ही नहीं आ रही और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। सम टाइम मेरे साथ ऐसा होता है, सोते सोते आँख खुल जाए फिर नींद नहीं आती। और एक बेनिफिट ये है कि सुबह यूनिवर्सिटी से ऑफ है मेरा और मैं सो सकता हूँ थोड़ा टाइम के लिए। तो सो लेट्स ट्राई टू स्लीप, और हम कुछ नहीं कर सकते। सी यू गाइस टुमारो। हेलो गाइस, वेलकम अगेन एंड गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह हो चुकी है, इट्स ऑलमोस्ट 10 राइट नाउ, और अभी तक मैं सोया हुआ था बिकॉज मेरी मर्जी। और अभी हम लोग उठेंगे, फ्रेश होंगे और देन वी हैव टेक आवर ब्रेकफास्ट, फिर हम आगे देखेंगे हमने क्या करना है सारा दिन। और कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ तो नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंड। Stay tuned with us till the end of the video. End पे मेरे लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज है। Wait. So guys, we are ready now. और अभी हमने करना है नाश्ता। और मैं सोच रहा था कि ना आज हम करें बाहर से नाश्ता। बाहर से नाश्ता करने का मतलब ये है कि बाहर से लेके आए और हम अपने रूम में बैठ के नाश्ता करें। So देखते हैं क्या करते हैं। और पीछे मेरा बेड एज यूजुअल मैसी हुआ हुआ है, पहले हम इसको ठीक करते हैं बेड को, देन वी हैव टू गो टू टेक आवर ब्रेकफास्ट, फिर नाश्ता करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ लाइक। नाश्ता हम लोग लेके आते हैं। सो हम लोग बाहर आ चुके हैं गाइस, और यहाँ पे पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से नाश्ता लेना है। और मैं पब्लिक में पहली दफ़ा व्लॉगिंग कर रहा हूँ और मुझे बड़ी शर्म आनी है। लेट्स सी, सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। सो मैं आपको बताना था कि मैं नाश्ता कैसा करता हूँ। सो गाइस, यूजुअली आई जस्ट टेक चाय पराठा रादर देन नथिंग, नो एग नो एनीथिंग, जस्ट चाय और पराठा मैं खाता हूँ। अभी हम वो लेके आएंगे चाय और पराठा। चाय और पराठे का ऑर्डर दिया है, एंड वी हैव जस्ट वेटिंग फॉर ऑर्डर टू गेट रिसीव। चाय और पराठे भी खाना मैंने, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना। और सुबह सुबह चल के आना और यहाँ तक आना बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि ना रोज़ आया जाए, बट रोज़ मुमकिन नहीं है।
अभी मैं यहाँ पे धूप में बाहर बैठ गया हूँ ताकि वो जल्दी से बना दें, फ्रेश फ्रेश बना के देंगे तो अच्छा होगा। सो गाइस मैं वापस आ गया घर पे एंड दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट। और इतना अजीब, मैंने कभी सोचा नहीं था कि बाहर जाके व्लॉग करना, यूं फ़ोन पकड़ना, ऐसा लगेगा जैसे हमने क्या कर दिया। खैर मुझे बड़ा मज़ा आया और मैंने किया, आई डन इट। सो गाइस अभी हम नाश्ता करेंगे और मैं दिखाता हूँ आपको कि नाश्ता में मैं क्या लेके आया, चाय पराठा कैसा दिखता है, क्योंकि इनका चाय पराठा काफ़ी फेमस है। चाय तो ओह माय गॉड मैंने एक दफ़ा पिया था, इट्स सो डिलीशियस, बहुत ही ना स्ट्रॉन्ग चाय होती है इनकी। कोइटा कैफ़े का ये नाम है, काफ़ी फेमस है। तो फिर नाश्ते के साथ साथ एक मैं टर्की सीरियल देखता हूँ। चले मैं तब तक नाश्ता करता हूँ और फिर आपसे नाश्ते के बाद में आपसे आके हमने क्या करना है मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने कुछ प्री प्लान नहीं किया हुआ। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपन नेक्स्ट। सो गाइस ये है हमारा नाश्ता, ये पराठा और चाय। चाय देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, आई लव स्ट्रॉन्ग चाय, चाय मेरा प्यार है। सो गाइस मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, स्टे ट्यून्ड विद अस। हेलो गाइस, सो मैंने अभी नाश्ता किया और अनफॉर्चुनेटली मुझे पता ही नहीं था कि आज मेरी ऑनलाइन क्लास है। तो अभी मेरी क्लास हो रही है, अभी बीच में थोड़ा सा गैप हुआ तो मैंने कहा छोटा सा क्लिप बना के लगा दूँ जल्दी जल्दी से। तो एज यू कैन सी मेरी अभी क्लास हो रही है, तो क्लास के बाद हम आके ना अपने रूम की सफाई करेंगे, बड़ा गंदा हुआ है कल से। सो कहीं मैं जाएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस, वी हैव टू टेक द क्लास बिकॉज इट इज़ वेरी असेंशियल ना, पढ़ेंगे तो कुछ जॉब मिलेगी ना, पैसा कमाएंगे। सो गाइस आई एम डन विद माय क्लास। सो आज मेरी मार्केटिंग की क्लास थी जो कि अच्छे से हो गई, मुझे पता नहीं था बट एंड टाइम पे पता चला। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूम की खातिर तवाज़ो, खातिर तवाज़ो का मतलब लाइक साफ़ सफाई। और गाइस ये मैंने लगाया था, मीडिया वॉल लगाई थी कि समटाइम्स मुझे पिक्चर बनानी पड़ती है, टिकटॉक वीडियोस बनाने पड़ती हैं, तो ये मैं इसे यूज़ करूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इसे एक टाइम भी अभी तक यूज़ नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, बट ये फ्री फायर का इवेंट था, मैंने वहाँ से लेके आया था मैं। सो अभी यूज़ करेंगे, अभी देखते कैसे लग रहा है इस पर। अच्छा व्यू आता है यार, लाइक पिक्चर इन्हेंस होती है। तो कभी हम व्लॉग बनाएंगे ना इसके साथ भी, बल्कि हो गया, बन गया व्लॉग। तो अभी मैं बैग में डाल रहा हूँ अपनी चीज़ें, पढ़ाई भी करेंगे लेकिन बाद में, अभी नहीं, अभी तो क्लास ली है यार। अभी हम रूम की सफाई करेंगे, तो उसके बाद टाइम हो गया है, व्हाट इज टाइम, 12:20। तो लेट्स सी। सो गाइस अभी हम करेंगे अपने रूम की सफाई, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा झाड़ू, एज यू कैन सी। तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है क्योंकि मैं बहुत हाइजीन हूँ, तो मुझे ना हर चीज़ ना एक जगह पे स्पेसिफिक परफेक्ट चाहिए। सो लेट्स गो। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ अपनी स्केचिंग, जब मैं फ्री होता हूँ तो ये मेरी हॉबी है कि मैं ना स्केच करता हूँ, ड्राइंग्स वगैरह बनाता हूँ। तो अभी मैंने काफ़ी कुछ बनाया हुआ था जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो लेट्स गो। से पहला स्केच ये पहला तो नहीं था बट इधर फाइल में मेरा पहला पड़ा हुआ ये मैंने एक ऐसे ही ना इमेजिनरी इमेजिन से सोच के इसका मैंने फेस बनाया था, थोड़ा सा टेढ़ा बना यहाँ से, आई डोंट नो व्हाई इसके दाढ़ में दर्द हो रहा है। ओके एक ये था, देन आई हैव दिस कलर पेंटिंग एज यू कैन सी, डोरा, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट है ना, कलरफुल है। एक ये थी, ये मुझे काफ़ी लोग कहते रहते बनाओ तो ये उनकी है, इनमें से काफ़ी को मैं जानता भी नहीं हूँ मैं इनको बना के भेजता था। ये मेरा दोस्त है, इन सब की ओरिजिनल पिक्चर्स अगर अभी मेरे पास है नहीं। और ये एक यूट्यूबर है, टर्किश यूट्यूबर, वन ऑफ माय फेवरेट है, जिसकी व्लॉगिंग से इंस्पायर होकर मैंने व्लॉग्स बनाए, तुर्कान,
तो ये मैंने उसका स्केच बनाया था, मैंने उन्हें भेजा था और वो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं और ये पाकिस्तान से पढ़ के गई हैं, इन्हें उर्दू भी आती है। और एक ये भी है, ये थोड़ा ना वो लग रहा मुझे, चलाको मासी वाला ये थी सिंड्रेला। और ये मेरी और मेरे कज़नों की मैंने बनाई थी। आई डोंट नो इट्स परफेक्ट, बट मेरे लिप्स थोड़े अजीब से लग रहे ना, लिप्स लिप्स ऐसे लग रहे जैसे हमने ना वो पेंसिल लगाई हुई है। तो एक ये मैंने अपने कजन्स की बनाई थी, ये थोड़ी अच्छी बनी थी। लुक हाउ इट्स लुक लाइक। एंड दिस स्पंज बॉब स्क्वेयर पैन का करेक्टर है ये। दिस इज़ अ मरमेड, काफ़ी डाइट पे है ना, बहुत पतली सी है, देखा मेरी एक फिंगर जितनी सीम्स फनी। और एक ये भी यूट्यूबर है, सादिया रेंड, ये मैंने उसकी बनाई थी, उसे भी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने उनको भेजी थी ये। और ये देखें, ये मैं अपने हर जगह पर ना अपना नाम लिखा हुआ है, तो ये ना समझिएगा कि ये मैं हूँ। ये भी मैंने एक इमेजिनरी से बनाया था, इसकी कैप मैं वैसे कैप बना रहा था, मैं सोचा कि ना फेस भी नीचे बना दिया जाए। सो एक ये थी, ये मेरी फर्स्ट थी, मैंने ट्राई किया, थोड़ा गलत हो गया इधर से बाकी तो ये परफेक्ट है। फेस छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा करना था और ये देखें, ये एक मैंने मैगजीन का कवर था उसका बनाया था, ये बटरफ्लाईज के हेयर्स पे लगी हुई है, दे हैव द हेयर्स एंड जस्ट ही इज इमेजिंग शी इज़ इमेजिंग समथिंग, ये ही और शी में बड़ा बोला पड़ रहा था, मैं समझ नहीं आता। एक ये बनाया था, दिस इज़ ऑल्सो एन अननोन पर्सन। और ये मैंने बनानी थी टिंकर बेल वैली, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने बाद में छोड़ दिया, मैंने बनाया नहीं। उसके बाद मेरे असाइनमेंट्स का कुछ आ गया, असाइनमेंट्स के कवर पेजेस जो है ना वो। और ये भी ये था अंकल टाइप ये सारा मेरा आर्ट जो मैं करता रहता हूँ अक्सर अक्सर और बेशतर। एक ये डोरा थी बट इट्स इनकम्प्लीट, अभी मैंने इसको कंप्लीट करना है। और दूसरे मेरे पास या है कि नहीं, हाँ एक ये थी ड्राइंग प्रिंस एंड प्रिंसेस। मैंने एक बेबी भी बनाया था, ये वाला, दिस इज़ अ बेबी, ये मेरी पहली थी जो मैंने फर्स्ट बनाई थी, ये मैंने एक इंस्टाग्राम से एक बेबी की पिक्चर देख के बनाया था। एंड दिस इज स्पंज बॉब्स स्क्वेयर पेन, मुझे वैसे कलरफुल आर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है ना, देखे कितना तो स्मूथ है ना। आई यूज मार्कर कलर देयर, मैंने जिसे रेज नहीं किया ये भी इसका एक करेक्टर है। और ये करेक्टर है ये भी एक। तो ये थी सारे मेरी ड्राइंग्स स्केचिंग गाइस, ये थी सारी मेरी स्केचिंग, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और मैं सोच रहा हूँ कि ना एक बाकायदा वीडियो बनाई जाए ना स्केचिंग के ऊपर, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। और वन ऑफ द ये भी मैंने खुद बनाया था, और अभी मैंने उस दीवार का यहाँ पे बड़ा गंदा सा आया हुआ है, इस दीवार को मैंने सेट करना है, इसके ऊपर भी मैंने ना कुछ बना के लगाना है। तो अभी जो है वो हमने क्या करना है, कुछ करने के लिए है ही नहीं गाइस, थोड़ा पढ़ना है, फिर मैं आपसे मिलूंगा लंच टाइम में, और आज हम देखेंगे हमने क्या खाना है, क्या बना है घर पे। सो स्टे ट्यून विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर ना भी अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो गाइस, अभी टाइम हो गया है हमारे लंच का, और आप लोग सोच रहे होंगे कैसा बंदा है यार, कभी नाश्ता करता है कभी लंच करता है, कुछ कर ही नहीं रहा। मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं करूं तो करूं क्या खैर जो भी था, आज हमारे घर में बने थे दही बड़े, और मैं जो है वो अनियन फ्री खाता हूँ, तो दिस इज़ फॉर मी, सेपरेट से अलग से निकाल के रख देते हैं। और साथ में मैं ये पी रहा हूँ ऑलपर जूस, फ्री में पब्लिसिटी कर रहा हूँ, देखो गाइस आई लव दिस फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर। तो मैंने आपसे ये बोलना था कि काफ़ी लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया, काफ़ी मेरे लोगों से सजेशन लेता रहता हूँ, तो मुझे मेरे दोस्तों ने भी बोला कि ना तुम ना पोटोहारी में व्लॉगिंग किया करो, और ना तुम पे सूट करती है। तो मैंने बोला यार मैंने कभी पोटोहारी बोली नहीं, लाइक मैं बोलता हूँ घर पे, लेकिन इस तरह नहीं बोलता, मेरी हंसी निकल जाती, मुझे शर्म आती थोड़ी सी। तो उन्होंने बोला नहीं यार इससे अच्छा इम्पैक्ट आएगा, और तुम्हारे लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल होगा।
तो मैंने सोचा ओके यार ट्राई करेंगे तुम लोगों की सजेशन पे कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खैर खाना खा के इसके बाद मेरा हो जाएगा एकेडमी का कोचिंग का टाइम हो जाएगा, देन हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे मैं शूट तो नहीं कर सकता बिकॉज नॉट अलाउड, हमने काम करना है। उसके बाद फिर हम लोग रात का टाइम आ जाएगा, देन आई हैव टू टेक माई डिनर और कुछ टीवी वगैरह देखेंगे और उसके बाद फिर मैंने जाना है कॉल सेंटर जॉब पे। सो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाऊँगा अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके और देखते हैं कैसे होता है सब कुछ। सो बॉन एपिटीट एंड हैव अ ब्रेक ओ सॉरी हैव अ लंच। सो गाइस अभी हो चुके हैं 7:30 और अभी मेरा ट्यूशन ख़त्म हुआ है और अभी मैं अपना काम कर रहा था एज यू कैन सी, और इसको तो आप जानते ही हो गया एज़ यूजुअल। सो ये था आज का दिन, उम्मीद करते हैं कि ये व्लॉग आपको अच्छा लग गया होगा और आज है 29th December यही है ना, हाँ, और जल्दी से न्यू ईयर आ रहा है तो मेरी तरफ से आपको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर और दुआ करते हैं कि आपका अगला जो आने वाला साल है चुप कर जा आने वाला जो साल है वो अच्छा गुजरे, सेफ गुजरे और हो सके तो इस अजीब गरीब व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। अभी हमने करना है डिनर और उसके बाद हमने सो जाना है, बस ये था मेरा आज का दिन। अपना डेट से रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टिल देन टेक ए गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।